हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय बाई एस माई नेम इज रोहित मिर्डा स्टूडेंट्स आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं द करंट अफेयर्स द करंट जीके ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी यानी कि ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ नवंबर ट्वेंटी ट्वेंटी से लेके फिफ्थ ऑफ दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी तक का करंट जीके करंट अफेयर्स आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे ठीक है तो जल्दी से क्लास को ज्वाइन कर लो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो और

खंड और यहां के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जिन्होंने इनोग्रेशन किया ये जो सूर्यधर लेक है ये 550 मीटर लंबा है और 28 मीटर मीटर इसकी चौड़ाई है और 10 मीटर डेट इज अडेप्थ ठीक है और टोटल जो पानी इसमें आ सकता है टोटल इसकी जो कैपेसिटी है डेट इज 77,000 क्यूबिक मीटर ठीक है तो दैट इज सूर्याधर लेक सूर्याधर लेक तो कौन से राज्य में इसको इनोग्रेट किया गया उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया सूर्यधर लेक चलिए आगे बढ़ते हैं जियोग्राफी की बात कर रहे हैं बेसिकली दिस इज अ टाइप ऑफ जियोग्राफी तो हम जिस भी एग्जाम के लिए जाते हैं तो वैसे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं तो दैट इज इंपॉर्टेंट सर एग्जाम कब होगा यूपीएससी ईपीएफओ तो बच्चे यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम यू you नो know, कि 2021 में डेट इज अप्रैल मई का डेट अनाउंस किया हुआ है तो तभी जाके एग्जाम होगा बट आपको तैयारी करते रहना है नेक्स्ट देखते हैं रायमोना नेशनल पार्क दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रायमोना नेशनल पार्क देखिए असम की जो सरकार है असम का जो स्टेट कैबिनेट है उसने क्या किया असम के अंदर असम के अंदर एक रिपू रिजर्व है रिपू रिजर्व रिज़र्व फॉरेस्ट या फिर आई कैन से रिपू फॉरेस्ट रिजर्व इस रिपू फॉरेस्ट रिजर्व का 422 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया चूज किया है एक नया नेशनल पार्क बनाने के लिए एक नया नेशनल पार्क असम के अंदर बनाने के लिए असम के अंदर एक नया नेशनल पार्क बनाने के लिए यहां पर फॉरेस्ट रिजर्व का 422 किलोमीटर बाईस का एरिया चूज किया गया जिसको यहां पे इसके जो स्टेट फॉरेस्ट फॉरेस्ट मिनिस्टर है उन्होंने तो अप्रूवल दे दिया बट स्टेट कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इस रायमोना नेशनल पार्क का जो फाइनल अप्रूवल है वो गवर्नर के पास भेजा गया है अब गवर्नर अगर अप्रूव कर देता है तो यहां पे असम के अंदर बन जाएगा सिक्स्थ नेशनल पार्क छठा नेशनल पार्क क्योंकि असम के अंदर पांच नेशनल पार्क ऑलरेडी हैं। असम के अंदर पांच नेशनल पार्क ऑलरेडी हैं। जिनकी हम बात करें तो देख लेते हैं मानस है एक तो मानस ऑरेंग है मानस नेशनल पार्क ऑरेंग नेशनल पार्क ना मेरी ना मेरी नेशनल पार्क एंड द नेक्स्ट इज द वेरी फेमस काजीरंगा। तो काजीरंगा है यहां पे और उसके बाद जो पांचवा है उसका नाम है डिब्रू तो पांच नेशनल पार्क तो ऑलरेडी है पांच नेशनल पार्क तो असम के अंदर ऑलरेडी है और छठा नेशनल पार्क बनेगा रायमोना नेशनल पार्क अगर गवर्नर इसको अप्रूव दे देता है ठीक है अगर गवर्नर इसको अप्रूव दे देता है तो यह बन जाएगा छठा नेशनल पार्क कहां का असम का ठीक है तो ये पांच भी आपको ध्यान में रखने हैं कौन कौन से हैं मानस नेशनल पार्क ऑरेंग नमेरी काजीरंगा काजीरंगा नेशनल पार्क और डिब्रू नेशनल पार्क और ये जो रिपू फॉरेस्ट रिजर्व है जिसके एरिए से ये बनाया जा रहा है रायमोना नेशनल पार्क ये बेसिकली इसकी जो बाउंड्री है वो भूटान के साथ लगती है ठीक है इसकी बाउंड्री जो है भूटान के साथ लगती है और यहाँ पे पाया जाता है द एनडेंजर स्पीस ऑफ गोल्डन लंगूर ठीक है द एंडेंजर्ड स्पीस ऑफ गोल्डन लंगूर देखिए एंडेंजर्ड का मतलब क्या होता है वो प्रजाति जो लुप्त हो रही है जो खत्म हो रही है वो प्रजाति तो गोल्डन लंगूर की प्रजाति जो खत्म होती जा रही है वो यहां पे पाई जाती है ठीक है रायमोना नेशनल पार्क तो उसको सेवग करने के लिए और यहां पे इसको बनाया जा रहा है समझ में आ रहा है अगर कोई डाउट है तो बताओ कोई डाउट है तो पूछिए असम के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है सर्वनंद सोनोवाल असम के जो मुख्यमंत्री हैं इनका नाम है सर्वनंद सोनोवाल इसी के साथ असम के एक और मैं आपको रिलेटिंग न्यूज बता देता हूं असम के एक पूर्व मुख्यमंत्री थे जिनका नाम था तरुण गोगोई तरुण गोगोई एंड ही पास अवे ठीक है चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट महाराष्ट्र महाराष्ट्र के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है उनका नाम है आदित्य ठाकरे द सन ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आदित्य ठाकरे इज द एनवायरमेंट मिनिस्टर ऑफ

वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिक्लेयर करने की बात चल रही है 2017 से तो अभी यहां पे महाराष्ट्र के स्टेट कैबिनेट ने यानी कि यहां के जो इनवायरमेंट मिनिस्टर है इन्होंने बात करी कि एक कमेटी बना रहे हैं ये ग्रुप बना रहे हैं डेट विल वर्क ऑन दिस कनलगांव टू बी डिक्लेयर एज अ लेवल ऑफ सेंचुरी तो इन्होंने अप्रूवल किया है वर्किंग ग्रुप यहां पर बनाया जा रहा है जो चेक करेगा कि इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का दर्जा दिया जा सकता है दैट इज कनलगांव तो सेंचुरी तो ये हो गई और दस नए कंजर्वेशन रिजर्व बनाए जा रहे हैं जो कि आठ उनमें से वेस्टर्न महाराष्ट्र के रीजन में है और दो आते हैं महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में ठीक है कौन कौन से विदर्भ में आते हैं महेंद्री और मुनिया ये तो आ जाएंगे विदर्भ के अंदर महेंद्री और मुनिया तो आ जाएंगे विदर्भ के अंदर और बाकी के जो आठ बचे क्योंकि दस कंजर्वेशन रिजर्व है वो है अंबोली डोडामाग चंडगढ़ आजरा भुदरगढ़, उसके बाद गगन बावड़ा पनलगढ़ विशालगढ़ जोरजामली एंड मैनी ये आठ जो है वेस्टर्न महाराष्ट्र के अंदर और विदर्भ के अंदर दो मनहेंद्री और मनिया तो ये आपको ध्यान रखना है दस नए कंजर्वेशन रिजर्व कौन से राज्य के अंदर और क्या क्या उनके नाम है और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट इज कनलगांव दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दीज कंजर्वेशन रिजर्व ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2017 का मुद्दा है और अब जाके इसको अप्रूवल मिलने वाला है महाराष्ट्र के अंदर और महाराष्ट्र के अभी जो मिनिस्टर इनका नाम है आदित्य ठाकरे ठाकरे और महाराष्ट्र के जो गवर्नर है इनका नाम है भगत सिंह कोश्यारी भगत सिंह कोश्यारी मैं आपको नाम भी बताता हूं करंट के साथ साथ चल के ये भी आप ध्यान में रखिएगा नोट कर लीजिए अगर किसी को नहीं पता तो और बीच में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा ये भी आप ध्यान में रखना पूनम यादव बच्चे एग्जाम की डेट डिपेंड करेगा यूपीएससी पे मे भी हो सकता है वही डेट रहे मे भी हो सकता है उस टाइम सिचुएशन को देखते हुए डेट एक्सटेंड भी की जा सकती है बट 90 परसेंट चांसेस यही है कि डेट वही रहेगी और उस डेट को एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा चलिए आगे देखते हैं साइक्लोनिक स्टॉम बुरेवी बुरेवी अब ये बुरेवी जो है ये साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में एंटर कर चुका है तो यहां पर तमिलनाडु ठीक है तमिलनाडु यहां पे मेन खतरे में आता है ठीक है पहले भी तमिलनाडु में एक साइक्लोन स्टॉम आ चुका अनिवार पहले निवार आया था तो साइक्लोनिक स्टॉम जब आते हैं तो इनमें कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में निकल के आता है वो ये निकल के आता है कि ये पहला क्वेश्चन तो ये कि साइक्लोनिक स्टॉम को नाम किसने दिया क्योंकि साइक्लोनिक स्टॉम का थर्टीन कंट्रीज मिलकर इनको नाम देते हैं ठीक है

ये नाम दिया है मालदीव ने ठीक है ये जो बुरेवी है ये नाम दिया है मालदीव ने ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है और ये दोनों ही चाहे निवार था चाहे ये आ, बुरेवी है दोनों ही साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल के अंदर आए हैं दोनों ही बे ऑफ बंगाल के अंदर आए हैं तो और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर दूसरा है क्लियर तो कोई डाउट है तो बताइए साइक्लोनिक स्टॉक को लेके इंडिया भी नाम देता है ठीक है गति तेज कुछ ऐसे नाम इंडिया ने दिए हुए हैं तो निवार ईरान ने दिया और मालदीव ने दिया बुरेवी जी हां बच्चे सेबी के लिए भी यूजफुल है क्योंकि सेबी का जो पेपर वन होता है उसमें क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सेबी ऑल्सो ठीक है उसमें स्टैटिक के क्वेश्चन उल्टा ज्यादा आते हैं जैसे हमने अभी जियोग्राफी वाले क्वेश्चन पढ़े थे रायमोना नेशनल पार्क ऐसे क्वेश्चन आते हैं सेबी के एग्जाम में कैन आई प्रिपेयर फॉर जी हाँ जय तिवारी बच्चे पढ़ सकते हो आप चलिए आगे देखते हैं कोई डाउट तो बताना नेक्स्ट इज भारत ने रशियन फेडरेशन नेवी के साथ मिलकर इसको किया रिसेंटली इंडियन ओशन इंडियन ऑशियन रीजन के अंदर भारत ने अभी प्रीवियस uh, यस्टरडे और आज दोनों दिन मिलके भारतीय नेवी ने इसको इंडियन ओशन के अंदर रशिया के साथ मिलकर इनोग्रेट किया ऑर्गेनाइज किया बट पैसेज एक्सरसाइज जो है वो सिर्फ रशिया के साथ नहीं होती पैसेज एक्सरसाइज भारत बहुत सारी कंट्रीज के साथ टाइम टू टाइम करता रहता है ठीक है अगर मैं पीछे की बात करूं तो कुछ टाइम पहले इससे पहले भारत ने ये पैसेज एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया के साथ ऑर्गेनाइज की थी तो पैसेज एक्सरसाइज भारत कई कंट्रीज के साथ करता है ऐसा नहीं है कि पैसेज एक्सरसाइज सिर्फ भारत और रशिया के बीच में ही होती है तो यू हैव टू रिमेंबर दिस बट अभी रिसेंटली ये भारत और रशिया के बीच में ऑर्गेनाइज की गई इंडियन नेवी एंड इन बिटवीन द रशियन फेडरेशन नेवी एक्सरसाइज में क्या होता है दो कंट्रीज की नेवी दो कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशंस मिलके एक दूसरे के साथ स्किल्स शेयर करती हैं स्किल्स को शेयर किया जाता है तो पैसेज एक्सरसाइज आपको ध्यान रखना है दैट इज बिटवीन द इंडियन नेवी एंड रशियन नेवी अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज की गई चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट इज डेप्टी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग देखिए हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसने एक नई पोस्ट क्रिएट करी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन द आर्मी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक्लानिंग आर्मी हेडक्वार्टर हमारा जो आर्मी हेडक्वार्टर है वो अपने अंदर काफी रिफॉर्म्स को लेकर लगा हुआ है बहुत सारे रिफॉर्म्स यहाँ पे किए जा चुके हैं और किए जाएंगे और ये रिफॉर्म्स की शुरुआत एक्चुअल में हुई थी डॉकलम इशू से

ठीक है उसके बाद 2018 में आर्मी कॉन्फ्रेंस के चलते आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के चलते हुए कुछ डिसीजंस लिए गए उन्हीं डिसीजंस के बाद यहां पे अनाउंस किया गया था कि कुछ नए रिफॉर्म्स किए जाएंगे कुछ नई पोस्ट बनाई जाएंगी आर्मी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर तो यहां पर अभी आर्मी हेडक्वार्टर्स में उन रोल्स को देखते हुए यहां पर डिफाइन किया था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लेकर मिलिट्री इंटेलिजेंस को लेकर मिलिट्री ऑपरेशन को लेकर और ऑपरेशन लॉजिस्टिक को लेकर नई पोस्ट बनाई जाएगी डेपटीज को लेकर यहां पर पोस्ट बनाई जाएगी तो अभी उसी चीज को लेकर डेपटी चीफ फॉर मिलिट्री ऑपरेशन एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का एक पोस्ट यहां पर क्रिएट किया गया है दैट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इससे पहले इससे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी बनाया गया था ठीक है यहां पे एक पोस्ट पहले क्रिएट की गई दैट इज डायरेक्टर जनरल ऑफ वॉरमे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर तो जो भी मीडिया जो भी हमारा डिफेंस है उसकी जो भी मेट बैटल या सोशल मीडिया रियलिटीज हैं ठीक है सोशल मीडिया में दिखाई जाती हैं जो भी चीजें आती हैं उन सब पे कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का एक डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया बट अभी जो बात चल रही है वो इस पोस्ट की चल रही है स्ट्रैटेजिक प्लानिंग तो प्लानिंग को लेकर यहां पे एक पर्सन अपॉइंट भी कर दिए गए हैं इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह लेफ्टिनेंट जनरल परमजीत सिंह ये बनेंगे फर्स्ट डेप्यूटी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ स्ट्रेटजी स्ट्रेटजी प्लानिंग को लेके ये पहले डेप्यूटी चीफ बनेंगे तो ये नाम आपको नोट कर लेना डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लियर तो आर्मी में ऐसी रिफॉर्म्स काफी टाइम से चल रहे हैं Next, हैं दैट इज परमजीत सिंह नेक्स्ट देखते चलिए आपको क्वेश्चन देता हूं आप क्या आप क्या मुझे बताओगे कि हमारा जो एयर फोर्स है इंडियन एयर फोर्स उसके चीफ कौन है एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके लिए क्योंकि एयर फोर्स नेवी और आर्मी हमारी फोर्सेस के बारे में तो सबको पता होना चाहिए तो एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हमारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसके चीफ कौन है इंडियन एयरफोर्स के चीफ क्योंकि आर्मी के चीफ हमारे हैं बताइए जल्दी से एयरफोर्स के आर्मी के और नेवी के चीफ हमें जानने हैं ठीक है तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया एयरफोर्स के चीफ एयरफोर्स के चीफ अमित शाकिया ही इज नॉट अ चीफ बेसिकली बिपिन रावत इज द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ठीक है जी हे जय तिवारी बिल्कुल सही हमारे जो एयरफोर्स के चीफ है उनका नाम है राकेश कुमार भदौरिया राकेश कुमार सिंह भदौरिया ठीक है राकेश कुमार सिंह भदौरिया इज द चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स और द चीफ एडमायरल ऑफ इंडियन नेवी द एडमायरल ऑफ इंडियन नेवी दैट इज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ उनका नाम है करमबीर सिंह उनका नाम है करमबीर सिंह ठीक है और आर्मी के हमारे जो चीफ है इनका नाम है मनोज नरावणे मनोज मुकुंद नरावणे मुकुंद नरावणे तो तीनों चीफ में बता चुका हूं चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट देखिए हमारा जो इंडियन नेवी है इंडियन नेवी ने समुद्र की रक्षा के लिए इंडियन नेवी की रक्षा रख... इंडियन ओशन के इंडियन ओशन पे नजर रखने के लिए ठीक है इंडियन ओशन पे नजर रखने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ एक डील साइन करी ठीक है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ इन्होंने एक डील साइन करी किस लिए इंडियन ओशन पे नजर रखने के लिए अब यूएस ने भारत को दिए दो ड्रोन यूएस भारत को दे रहा है दो ड्रोन ठीक है एक साल के लिए लीज पे एक साल पे के लिए लीज पे दे रहा है खरीदे नहीं है ठीक है लीज पे दे रहा है एक साल के लिए दैट इज एम क्यू नाइन बी मेरी गार्डियन अनमेड ड्रोन ये यूएस भारत को दे रहा है ठीक है भारत को दे रहा है यूएस और भारत इसको इंडियन ऑशन में यूज कर रहा है ठीक है निगरानी रखने के लिए इंडियन ऑशन में निगरानी रखने के लिए और अगर जरूरत पड़ी तो लद्दाख में यूज करेगा ठीक है ले लद्दाख में चाइनीज मतलब अब चाइना के साथ हमारे जो इशू चल रहे हैं वहां पे नजर रखने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है अगर जरूरत पड़ी तो अगर जरूरत पड़ी तो वहां पर भी यूज किया जा सकता है इसको तो एक साल के लिए लीज पे लिए खरीदे नहीं है ठीक है दैट इज वन ईयर लीज ये एक साल की लीज है चलिए आगे देखते हैं किसी को कोई डाउट होगा तो बताना नेक्स्ट न्यूजीलैंड की जो प्रधानमंत्री है जेकिडा आर्डन जेकेडा आर्डन इन्होंने अनाउंस किया है कि ये न्यूजीलैंड में डिक्लेयर करने वाली है क्लाइमेट इमरजेंसी क्लाइमेट इमरजेंसी अब देखिए क्लाइमेट इमरजेंसी यहां पे डिक्लेयर किया जाएगा अभी किया नहीं गया है क्योंकि 2019 में नवंबर 2019 में न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट ने जेकिंडा आर्डन ही प्रधानमंत्री थी तो इन्हीं की कमांड में न्यूजीलैंड ने बोला था जीरो जीरो कार्बन कार्बन एक्ट एक्ट तो उस जीरो कार्बन एक्ट के चलते हुए न्यूजीलैंड को बनना है ठीक है क्या जीरो कार्बन अमीशन बाय ट्वेंटी फिफ्टी ये न्यूजीलैंड का टारगेट है जीरो कार्बन अमीशन बाय ट्वेंटी तो अभी न्यूजीलैंड में क्या है अभी न्यूजीलैंड के अंदर जो क्लाइमेट चेंजेस है वो बहुत चल रहे हैं ठीक है क्लाइमेट चेंजेस ऑन गोइंग है तो इन्हीं क्लाइमेट चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे जो लॉ मेकर्स पे जो लॉ मेकर्स हैं उनका कहना है कि सरकार को डिक्लेयर कर देनी चाहिए क्लाइमेट एमरजेंसी उनका कहना है कि सरकार को क्लाइमेट एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जानी कर देनी चाहिए तो उसी के चलते हुए यहां की प्रधानमंत्री चर्चा कर रही है इसके ऊपर कि हो सकता है बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी जाए इससे पहले इससे पहले जापानीज लॉ मेकर्स ने भी अनाउंस किया जापानीज लॉ मेकर्स ने भी क्लाइमेट इमरजेंसी अनाउंस करी और जापान ने भी एक टारगेट सेट किया डेट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2050 ये जापान ने भी अनाउंस किया है जापान भी इसको अनाउंस कर चुका है डेट इज नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय ट्वेंटी फिफ्टी चलिए आगे देखते हैं भारत ने यूएसए के साथ मिलकर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया दैट इज इन द फील्ड ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक एग्रीमेंट साइन किया कि दोनों देश एक दूसरे की सहायता करेंगे इन द टर्म्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज इंटेलेक्चुअल अब यहां पे बात आती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेके जो बॉडी काम करती है दुनिया भर में दैट इज वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी

उनका नाम है डायरेन टैंग डायरेन टैंग डायरे टैंग डायरेक्टर जनरल इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन डायरेन चाइनीज है ठीक है तो ये इसके हेडक्वार्टर एस्टेब्लिशमेंट uh, और डायरेक्टर जनरल तो ये बॉडी है जो दुनिया भर में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज को लेके काम करती है अब यूएसए की बात कर लेते हैं तो यूएसए में अभी अभी चुनाव हुए यूएसए में अभी अभी चुनाव हुए तो उाइल जोए बाइडन जोए बाइडन बने हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के फोर्टी सिक्स प्रेजिडेंट फोर्टी सिक्स प्रेजिडेंट नंबर ध्यान में रखना है फोर्टी सिक्स और जोय बाइडन जो है ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं ये डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं इनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो है डेमोक्रेटिक पार्टी देखिए यूएस में दो ही मेन पार्टीज हैं एक डेमोक्रेटिक पार्टी है एक है रिपब्लिकन पार्टी रिपब्लिकन पार्टी जो कि डोनाल्ड ट्रंप की है और डेमोक्रेटिक पार्टी यहां बाइडेन हालांकि अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे ओबामा बरैक पार्टी के ओबामा की सरकार में, में वाइस प्रेसिडेंट थे ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं ओबामा की सरकार के अंदर ठीक है ये वाइस प्रेसिडेंट थे उनकी सरकार में 2009 से लेकर 2017 तक लगभग लग लग. 2009 से लेकर 2017 तक और क्योंकि यूएस में जो प्रेसिडेंट का टेन्य होता है वो चार साल का होता है यूएस में प्रेसिडेंट का टेने और चार साल का होता है और एक व्यक्ति दो बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता एक व्यक्ति दो बार से ज्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता ये भी ध्यान में रखना आपको और तर... जो ओबामा थे वो दो बार रहे इसलिए दो से दो और ट्रंप एक ही बार रहे दो से दो क्योंकि जोए बाइडन जो है जनवरी दो में शपथ लेंगे ये राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठेंगे जोय बाइडन व्हाइट हाउस चलिए किसी को कोई डाउट कोई डाउट हो तो पूछ लेना हम आगे बढ़ते हैं अगर क्लास अच्छी लग रही है तो वीडियो के नीचे लाइक वाला बटन दबाना नहीं भूलना लाइक वाला बटन अपने आप दबा दिया करो अगर क्लास अच्छी लगती है तो नहीं लगती है तो डिसलाइक वाला ठीक है तो अब यहां पे बात करते हैं बांग्लादेश की तो बांग्लादेश की सरकार ने अनाउंस कर दिया देखिए दुनिया भर में कोविड वैक्सीन ऑन गोइंग है ठीक है हर देश जहां पर कोविड नाइनटीन फैला हुआ है वो देश लगा हुआ है कोविड नाइनटीन की वैक्सीन को लेकर तो बांग्लादेश की सरकार ने अनाउंस कर दिया कि कोविड नाइनटीन की वैक्सीन को लेके वो अपनी कंट्री में तीस मिलियन डोजेस फ्री बांटने वाले हैं यानी कि तीस मिलियन डोजेस के लिए पैसा देगी सरकार ठीक है तीस मिलियन डोजेस के लिए जो पैसा है वो सरकार देने वाली है बांग्लादेश की सरकार भारत सरकार नहीं है बांग्लादेश की सरकार है इस बात को ध्यान रखना और इसके लिए बांग्लादेश की सरकार ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी देखिए दुनिया में काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस वैक्सीन बनाने के लिए लगी हुई हैं भारत का एक इंस्टीट्यूट है, ये जो सीरम है ये साथ और एक ग्लोबल फार्मेटिकल तीन ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मिलकर वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं तो बांग्लादेश की सरकार ने इनके साथ एक थ्री करोड़ डोजेस का एग्रीमेंट साइन कर लिया है ठीक है यह तीन करोड़ डोजेस का ऑर्डर कि तीन करोड़ डोजेस आप हमें बना के दोगे यह पैसा है दैट इज टका करोड़ बांग्लादेश की जो करेंसी है वो है टका तो इतने अमाउंट का यह एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं इतने अमाउंट का एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुके हैं तो बांग्लादेश ने किसके साथ किया अग्रीमेंट सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्रोजनी की कोविड नाइनटीन वैक्सीन को लेकर ठीक है तो थर्टी मिलियन डोजेस थर्टी मिलियन डॉजेस ये फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला है कौन सा देश बांग्लादेश जिसके करंसी है टका राजधानी है ढाका और प्रधानमंत्री है शेख हसीना शेख हसीना आगे बढ़ते है? कोई डाउट हो तो बताना यूनाइटेड अरब एमिरेट यूनाइटेड अरब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पहला अरब गल्फ नेशन बना है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा कोल से देखिए UAE जो है गल्फ नेशन जो है ये नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल से भरपूर कंट्रीज हैं तो यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो नेचुरल गैसेस या क्रूड ऑयल से ही होती है ठीक है तो अब ये कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं कोल से इलेक्ट्रिसिटी क्यों? तो पहला टारगेट तो एक है वो है सेफ एनर्जी ग्रीन एनर्जी ग्रीन एनर्जी नेट जीरो कार्बन अमीशन नेट जीरो कार्बन अमीशन की तरफ बढ़ते हुए इन्वायरमेंट को पोल्यूट करने से बचाने के लिए एज पर द गाइडलाइंस ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस दैट इज ऑफ आर्म ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड यूरोपियन यूनियन ठीक है तो इनकी गाइडलाइंस के मुताबिक इनको यहाँ पे क्लाइमेट चेंज का ध्यान रखते हुए ये एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पे कोल से कोल से ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाले हैं कोल से तो ये जो कोल है यहां पे वो कोल आएगा जापान की जेरा कॉर्पोरेशन जापान जेरा कॉर्पोरेशन यहां पे कोल सप्लाई करने वाली है ठीक है और इसने कोल सप्लाई के लिए एक्वा पावर ऑफ सऊदी अरेबिया एक्वा पावर एक ऑर्गेनाइजेशन है सऊदी अरेबिया की इसके साथ एग्रीमेंट साइन किया दोनों मिलकर यहां पर कोल की सप्लाई करेंगे और यूएई के अंदर ये जो कोल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट है ये कहां पे लगाया गया तो ये प्लांट लगाया गया दुबई के अंदर दुबई के अंदर इसका नाम है हसियन कोल प्लांट हसियन कोल प्लांट हसियन कोल प्लांट जिसकी प्रेजेंट कैपेसिटी जो है जिसकी प्रेजेंट कैपेसिटी जो है वो है 600 हंड्रेड मेगा मेगावॉट मेगावॉट यह बिजली का उत्पादन करेगा किससे करेगा कोल से करेगा कोल से बिजली का उत्पादन 600 मेगावाट और 2023 तक और 2023 तक वो इसको इंक्रीज करके 2400 मेगावाट तक लेके जाएगा यानी कि 600 मेगावॉट से 2400 मेगावाट मेगावॉट तक ये इंक्रीज करेगा आने वाले तीन साल के अंदर आने वाले तीन साल के अंदर और ये दुबई में लगाया गया इसका नाम है हसियन कोल प्लांट हसियन कोल प्लांट दैट इज ऑफ टोटल कॉस्ट थ्री बिलियन डॉलर थ्री बिलियन डॉलर ठीक है थ्री बिलियन डॉलर यस बच्चे आ, कोल से भी पोल्यूशन क्रिएट होता है नॉट एज मच एज फ्रॉम द गैसेज एंड ऑयल ठीक है उतना ज्यादा नहीं होता है पॉल्यूशन क्रिएट होता है बट उतना ज्यादा नहीं होता जितना ज्यादा नेचुरल गैसेज वगैरह से होता है तो इसी के चलते हुए यहां पर एनर्जी की तरफ नेट जीरो कार्बन एमिशन मेन टारगेट है तो उसके तरफ बढ़ते हुए यहां पर कोल का यूज किया जाएगा ठीक है ये कोल इज नॉट ए रेन्यूबल बट रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज के साथ साथ यहां पे न्यूक्लियर का यूज भी होगा ठीक है न्यूक्लियर का यूज भी होगा कार्बन एमिशन घटाना है कार्बन एमिशन घटाना मेनली अब भारत के अंदर भी तो हम यही कर रहे हैं इंडिया के अंदर भी हम यही कर रहे हैं ठीक है इंडिया के अंदर हम नेचुरल गैसेस से प्रोड्यूस और इलेक्ट्रिसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं रिन्यूएबल को बढ़ा रहे हैं बट हम साथ साथ न्यूक्लियर को भी तो बढ़ा रहे हैं इंडिया के अंदर अंदर भी तो हम यही कर रहे हैं तो यूएई पहला ऐसा अरब गल्फ कंट्री बना है ठीक है और एक दूसरा क्वेश्चन आपको यह भी पूछा जा सकता है कि हसन कोल प्लांट कहां पर लगाया गया हसन कोल प्लांट कौन सी कंट्री में लगाया गया ठीक है? क्या? जापान हैज द ऑफ कोल तो दैट्स वाई ही सप्लाइंग तो समझ में आ रहा है आपको बढ़ते आगे कोई डाउट हो तो आई विल गेट बैक चलिए यूनाइटेड नेशन द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज यूनाइटेड नेशन ने कैनाबिस को हटा दिया फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स मोस्ट डेंजरस ड्रग्स यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने कैनबिस को हटा दिया वर्ड्स मोस्ट डेंजरस ड्रग्स की लिस्ट में देखिये ये जो कैनाबिस है ये यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर नाइटकोटिक ड्रग्स की ठीक है यूएन के अंदर यू यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर नारकोटिक ड्रग्स के शेड्यूल फोर में आता है दैट इज ऑफ 1961 सिंगल कन्वेंशन ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स 1961 का हमारा जो एक्ट है दैट इज फॉर द नारकोटिक्स ड्रग्स उसके शेड्यूल फोर में आता है ये कैनबिस शेड्यूल फोर में एक हमारे पास शेड्यूल 1 है ठीक है एक हमारे पास शेड्यूल 1 है और दूसरा हमारे पास है शेड्यूल 4 अब ड्यूल फोर में जो जो ड्रग्स आते हैं शेड्यूल तो वन को, को में, में, में रखा जाएगा शेड्यूल वन में रखा जाएगा अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैं सिंपल सी भाषा में आपको बताता हूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है शेड्यूल चार में शेड्यूल चार में जो ड्रग्स रखे जाते हैं वो वो ड्रग्स होते हैं दीज आर टोटली बैन टोटली बैन जिनका यूज अगर होता है वो तो क्रिमिनल ऑफेंस है शेड्यूल चार में वो ड्रग्स रखे जाते हैं जिनका यूज क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है और शेड्यूल वन में वो ड्रग्स रखे जाते हैं जिनका यूज हम मेडिसिन मैडी, मेडिसिन या फिर इंडस्ट्रियल पर्पिस के लिए कर सकते हैं मेडिकल और इंडस्ट्रियल पर्प के लिए हम उसका यूज कर सकते हैं शेड्यूल वन में वो ड्रग्स रखे जाते हैं जिनका आप प्रयोग कर सकते हो एज अ मेडिसिन एज अ मेडिकल और एज अ इंडस्ट्रियल तो ये दोनों का डिफरेंस है जो था ठीक है जिसको हम गांजा भी बोलते हैं ठीक है, है? आर सम का रीसिन होता है जो फ्लावर्स होते हैं लीव्स होते हैं इन सबको डिफरेंट डिफरेंट नाम में बांटा गया है गांजा भांग ठीक है हम इसको बोलते हैं भांग बोलते हैं गांजा बोलते हैं

मूव पास किया है कि इस cannabis को शेड्यूल चार में से निकाल के शेड्यूल शेड्यूल जाएगा तो मतलब क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा और इसका प्रयोग हो सकता है एज फॉर द मेडिसिन परपेजेस और एज अ इंडस्ट्रियल परपेज अब मैं आपको कुछ कंट्रीज बताता हूं ठीक है रशिया चाइना पाकिस्तान इन कंट्रीज ने अपोज किया यूएन का देखिए देर आर फिफ्टी थ्री सिग्नेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर नार्कोटिक ड्रग्स जिनके साइन पे यहां पे वोटिंग के हिसाब से जो मेजोरिटी होगी ये डिसीजन लिया जाना था तो रशिया जैसी कंट्री चाइना जैसी कंट्री ठीक है रशिया चाइना जैसी कंट्रीज ने अपोज किया पाकिस्तान ने अपोज किया ये मूव कि नहीं हटाना है कैने को बट इंडिया सपोर्टेड द मूव इंडिया यूएस इन कंट्रीज ने सपोर्ट किया हटा दो ठीक है। अब इंडिया के सपोर्ट करने का मतलब यह नहीं है इंडिया के सपोर्ट करने का मतलब यह नहीं हो गया कि इंडिया में यह क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा इंडिया में यह तब तक क्रिमिनल ऑफेंस ही रहेगा जब तक इंडिया का जो नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट है ठीक है हमारा जो नार्कोटिक्स ड्रग कंट्रोल बोर्ड है वो इसको इसका जो लॉ है इसके लिए जो एक्ट हमारे पास जो कानून है उसमें अमेंडमेंट नहीं होता यूएन के हटा देने से इंडिया में इंडिया से इसका क्रिमिनल ऑफेंस खत्म नहीं हो जाता इंडिया में स्टिल ये क्रिमिनल ऑफेंस में ही रहेगा ठीक है इंडिया में स्टिल ये क्रिमिनल ऑफेंस में ही रहने वाला है रिचा गोयल देर इज अ टोटली एक्ट हमारे पास कुछ एक्ट पूरा का पूरा भारत में हर कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट पनिशमेंट होती है क्योंकि हर कंट्री में डिफरेंट कानून है इसको लेके ठीक है ड्रग्स को लेके पूरा का पूरा एक ड्रग्स लॉ है तो उसके आधार पर क्योंकि आप किस आधार पर सेवन करते हो आप इसको गांजे के आधार पर सेवन करते हो क्योंकि बेसिकली जो रिसिन होता है इसका ठीक है का जो रिसिन होता है उसको चरस बोलते हैं ठीक है उसको चरस बोलते हैं और यहां पे मैं फर्दर देखूं तो जो फ्लावर्स होता है हमारा ठीक है इसका जो फ्लावर्स होता है उसको गांजा बोलते हैं उसको गांजा यूज किया जाता है तो ठीक है तो डिफरेंट डिफरेंट यहां है उसको लेके डिफरेंट डिफरेंट प्रस्पेक्टिव तो थोड़ा सा इंडिया में इंडिया में ये पहला नहीं है इंडिया में तो बहुत सारे इंडिया में गवर्नमेंट इसको पहले भी अलाउ कर चुकी है कि जाओ ट्रायल कर लो मेडिसिन uh, के लिए इसका ट्रायल कर लो ये इंडिया में गवर्नमेंट पहले भी अलाउ कर चुकी है इंडियन गवर्नमेंट उत्तराखंड उत्तराखंड भारत का पहला राज्य बना ठीक है उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट चलाया था जिसने पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट चलाया था इसके लिए ये कहना बिजके मेडिसिन और इंडस्ट्रियल परपस को रिव्यू करने के लिए ठीक है चलिए कमेंट्स देखते हैं इज यू एन एक्टिंग एज पेरेंट फॉर ऑल कंट्रीज और इट्स ओनली फॉर नेम बेसिकली यू एन डेट इज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इन दुनिया भर में जितनी भी डेवलपमेंट डेवलपमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है मेनली डैट वर्क अंडर वन अम्ब्रेला डैट इज यूनाइटेड नेशन तो उसकी सब्सिडीज है सबकी सब डेट इज यू एन ठीक है यस देर इज अ एन एक्ट तो अमेंडमेंट नहीं करती है शेड्यूल चार है। है? से हट जाने से शेड्यूल एक में आ जाने से ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर इंडिया में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ऐसा कुछ भी नहीं है इंडिया ने मूव को सपोर्ट किया है ठीक है इंडिया ने मूव को सपोर्ट किया बट इससे यह साबित नहीं होता है कि इंडिया में ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं रहा इंडिया में स्टिल ये क्रिमिनल ऑफेंस ही है 2018 में 2018 में मोदी सरकार ने क्या किया 2018 में मोदी सरकार ने पे ड्रग्स डिपार्टमेंट को एक ऑर्डर दिया कि कैनाबिस के जो जो यहां पे बेनिफिट हो सकते हैं कैनाबिस को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सकता है या और ड्रग्स के चलते हुए यूज किया जा सकता है नहीं इसको रिव्यू कीजिए ठीक है इसको रिव्यू कीजिए तो इन सबको देखने के लिए यहां पे उत्तराखंड पहला राज्य बना जिसने पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट चलाया और अभी अगर मैं बात करूं मणिपुर मणिपुर ने 2018 2020 में मणिपुर ने 2020 में फरवरी 2020 में लीगलाइज कर दिया क्या लीगलाइज कर दिया मेडिकल और इंडस्ट्रियल के लिए क्या का यूज हो सकता है ये मणिपुर आप स्टेट ध्यान में रखना मणिपुर मणिपुर ने यह किया ठीक है मणिपुर ने यह किया बच्चे इससे इफेक्ट ये बना इससे इफेक्ट ये बना कि अब यूनाइटेड नेशन ने खुद अलाउ कर दिया कि इसका मेडिकल और हम इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए यूज कर सकते हैं तो इससे अब मेडिसिन बनाई जा सकती हैं कुछ मेडिसिन में इसका यूज हो सकता है हालांकि भारत में तो पहले से ही हम इसको ट्राई कर रहे थे बट अब इंटरनेशनल लेवल से ही हमें इसका अलाउंस मिल गया है पहले तो एज पर द यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर नार्कोटिक्स ड्रग्स ये इल्लीगल था ठीक है कि यह शेड्यूल चार में आता है शेड्यूल चार में आता है और अगर आप इसके मेंबर हो तो आप प्रयोग कर ही नहीं सकते आप मेडिकल और इंडस्ट्रियल uh, पर्पेस के लिए भी इसका प्रयोग नहीं कर सकते वो भी इलीगल है बट अब अलाउ कर दिया गया इसका मतलब है कि इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है हाँ क्या भी इसका इंटरनेशनल ट्रेड हो सकता है बट दैट इज ओनली फॉर द मेडिसिन मेडिकल और इंडस्ट्रियल पर्पिज नॉट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन ठीक है नॉट फॉर द ह्यूमन कंजप्शन ह्यूमन कंजप्शन अब भारत में क्या नहीं होता यार होली आती है होली, होला मोहल्ला आता है ठीक है शिवरात्रि आती है हम इतनी भांग पीते हैं भांग क्या है ठीक है भांग के नाम पे भी तो बिकता है कैनाविस तो हम लोग तो ऑलरेडी यूज करते हैं ह्यूमन कंजप्शन इंडिया में होता है ठीक है एज पर द रिपोर्ट्स एज पर द यूएन रिपोर्ट्स एज पर द डब्ल्यू एच ओ रिपोर्ट्स भारत के अंदर भारत के अंदर बहुत अच्छे लेवल पे भारत दुनिया भर में दुनिया भर में अगर किसी ड्रग की सबसे ज्यादा ट्रैफिकिंग होती है दुनिया भर में अगर किसी ड्रग का सबसे ज्यादा कंजप्शन होता है किसी शेड्यूल शेड्यूल फोर अगर शेड्यूल फोर किसी ड्रग का कोई ऐसा ड्रग जो शेड्यूल चार के अंदर है और उसका कंजप्शन सबसे ज्यादा होता है एज पर द रिपोर्ट वो है कैनाबिस वो है कैनाबिस ठीक है वो है कैनाबिस कैनाबिस का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है एंड एज पर दर्ल्ड वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट वर्ल्ड रिपोर्ट को डिक्लेयर करता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम ठीक है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम यहां पे वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट डिक्लेयर करता है तो एज पर दर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट ऑफ टू थाउजेंड दुनिया भर में जहां पे भी कैनबिस मिलती है इंडिया में सबसे सस्ती है ठीक है इंडिया में सबसे सस्ती है इंडिया में सबसे सस्ती, सस्ती. कैनबिस तो कैनम इसके बारे में बहुत सारी चीजें हम जान रहे हैं ठीक है कैन के बारे में यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम इसका जो ऑफिस है इसका जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रियाना में है वो ऑस्ट्रिया वियाना में और यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ड्रग्स इसका भी नार्स ड्रग्सवार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियाना के अंदर है ध्यान रखना उसका भी जो हेडक्वार्टर है वो ऑस्ट्रिया वियाना में है वियाना ऑस्ट्रिया के अंदर एंड इंडिया के अंदर पहला मेडिकल कैनबिस क्लिनिक इंडिया के अंदर पहला मेडिकल कैनबिस जो क्लिनिक है वो यहां पे बनाया गया तो भारत के अंदर पहला मेडिकल कैनाविस क्लिनिक मेडिकल कैनाविस क्लिनिक ये बेंगलुरु में बनाया गया बेंगलुरु में कहां पे बेंगलुरु में बेंगलुरु कर्नाटका में तो मणिपुर के बारे में आपको पहले बता चुका हूं मणिपुर ने 2020 में लीगल किया है मणिपुर ने 2020 में ही इसको लीगलाइज किया है पतंजलि भी अ, अपनी मेडिसिन में इसका प्रयोग कर रहा है पतंजलि भी यहां पे काम कर रहा है कि इसको लेके रिसर्च कर रहा है पतंजलि को भी गवर्नमेंट ने अलाउ किया हुआ है वो इसको लेके रिसर्च कर रहा है कि किसी मेडिसिन में इसका प्रयोग हो सकता है नहीं हो सकता कैंसर की मेडिसिन को लेकर हम काम कर रहे हैं कि कैंसर की मेडिसिन बनाई जा सकती है क्या नाम इसका प्रयोग करके ठीक है कोई डाउट बच्चे किसी को कोई डाउट तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज यूएन ने अभी कैनाबिस को रिमूव कर दिया है वर्ड्स मोस्ट डेंजरस ड्रग्स की लिस्ट में दुनिया के जो मोस्ट डेंजरस ड्रग्स होती हैं उसको रखा जाता है शेड्यूल फोर में शेड्यूल फोर में यस yes, वो तो है ही है जुगाड़ चलिए क्लियर हुआ आगे बढ़ते नेक्स्ट डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने यहां पे एक होप जताई है कि 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक 2021 के फर्स्ट क्वार्टर तक यहां पे 500 मिलियन वैक्सीन डोजेस आ सकती हैं 500 मिलियन वैक्सीन की डोजेस कोविड-19 की वैक्सीन डोजेस यहां पे आ सकती है दैट इज अंडर द कोवैक्स स्कीम तो सबसे पहले तो ये कोवैक्स स्कीम क्या है यही देखते हैं देखिए कोवैक्स स्कीम क्या है अप्रैल 2020 में अप्रैल 2020 में भारत सरकार ने सॉरी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने नॉट इंडियन गवर्नमेंट ठीक है दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विद द गैवी ग्लोबल एलियांस फॉर द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन गैवी का फॉर्म क्या है द ग्लोबल एलियंस फॉर द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, तो गैवी ने यहां पर डब्ल्यू एच ओ के साथ मिलकर और सेपी के साथ मिलके सैपी के साथ मिलके सैपी क्या है दैट इज फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन इन तीन ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलके अप्रैल 2020 में एक प्रोजेक्ट बनाया एक प्रोजेक्ट तैयार किया जो कि यहां पे काम करेगा किस चीज को लेके कोविड 19 के इफेक्ट्स को रिकवर करने के लिए यानी कि उसके लिए वैक्सीन उसके लिए टेस्ट उसका इलाज ठीक है तो यहां पर इन सबकी फैसिलिटी ग्लोबल लेवल पे प्रोवाइड करवाने के लिए इन्होंने एक प्रोजेक्ट बनाया दैट इज कोवैक्स दैट इज कोवैक्स कोवैक्स का जो एब्रीवेशन था दैट इज कोविड नाइन्टीन वैक्सीन ग्लोबल असेस फैसिलिटी कोवैक्स को क्या बोलते हैं हम दैट इज कोविड नाइन्टीन वैक्सीन ग्लोबल असेस फैसिलिटी जो कि तीन ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर यहाँ पे प्रिपेयर किया ताकि जो कंट्रीज हैं दुनिया भर में कोविड नाइन्टीन की वैक्सीन्स के प्रोसेस को फास्टअप किया जा सके फास्टअप किया जा सके तो दुनिया भर में जो पुअर कंट्रीज हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन पहुँचाना इतना आसान नहीं है जो वैक्सीन को लेकर इतनी एसेसिबल नहीं है तो उन कंट्रीज को यहाँ पे चैरिटी के थ्रू फंडिंग करके ठीक है कोवैक्स के अंदर फंडिंग करके यहाँ पे उन कंट्रीज तक वैक्सीन को पहुंचाना वैक्सीन को पहुंचाना तो इस टारगेट में यहाँ पे कोवैक्स स्कीम चलाई गई थी अप्रैल 2020 में अप्रैल 2020 में सेपी डब्ल्यू और गैवी के द्वारा ठीक है कोवैक्स स्कीम

जो 20 परसेंट पॉपुलेशन है 20 परसेंट पॉपुलेशन है उसको यहां पे वैक्सीनेट करने का प्लान यहां पे रख रहा है ये ऑर्गेनाइजेशन ये अंडर द कोवैक्स स्कीम अंडर द कोवैक्स स्कीम अंडर द कोवैक्स स्कीम तो इतना क्लियर हुआ आपको इतना अगर क्लियर हो गया तो बच्चों यहां पे ये जो स्टेटमेंट है डब्ल्यू की ये स्टेटमेंट दी है डब्ल्यू की चीफ साइंटिस्ट ने डब्ल्यू की जो चीफ साइंटिस्ट है डब्ल्यू एच ओ की जो चीफ साइंटिस्ट हैं उनका यह स्टेटमेंट है ठीक है एंड द चीफ साइंटिस्ट ऑफ डब्ल्यू एच ओ स्वामीनाथन शी इज द डॉटर ऑफ एम एस स्वामीनाथन ठीक है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन उनकी बेटी है सौम्या स्वामीनाथन द चीफ साइंटिस्ट एट वर्ट एट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तो इनका यह स्टेटमेंट है कि ये स्कीम के अंदर 500 मिलियन डोजेस में पहुंच जाएंगी तो दुनिया भर में है एनी डाउट स्क्रीन ब्लर बच्चे रिफ्रेश कर लो एक बार ठीक है हो सकता है कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का आपका इश्यू हो सकता है तो एक बार रिफ्रेश कर लो किसी को कोई डाउट है तो इसके बारे में बताइए इसके बारे में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछो चलिए इज कोवैक्सिन इज फुली डेवलप्ड बाय इंडिया और ऑल मेडिसिन अभी तक इंडिया ने ठीक है अभी तक इंडिया में कोई भी वैक्सीन जो है वो फुली अभी अंडर ट्रायल्स है ठीक है इंडिया में जो भी वैक्सीन है वो अभी अंडर ट्रायल है बात करेंगे पीएम मोदी जी अभी रिव्यू करके आए हैं उसके बाद भी हम करेंगे तब आता हूं आई विल गेट बैक टू यू ठीक है चलिए उससे पहले देखते हैं क्वारंटीन क्वारंटीन कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर तो द वर्ड ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द कैम्ब्रिज डिक्शनरी गॉस टू क्वारंटीन यानी कि कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अंदर 2020 में जो वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया गया वो है क्वारंटीन जो वर्ड सबसे ज्यादा सर्च किया गया वो है क्वारंटीन सेकंड नंबर पे आता है लॉकडाउन और थर्ड पे आता है पेंडेमिक दीज आर द वर्ड ठीक है जो सबसे ज्यादा सर्च किए गए जो सबसे ज्यादा सर्च किए गए एंडर द कैम्ब्रिज डिक्शनरी नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल फेस्टिवल एंड देखिए ऑर्गेनाइज किया जाता है ऑर्गेनाइज किया, तो किया गया कहां पे उड़ीसा के अंदर पुरी में।, पुरी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया तो हर साल हर साल नेशनल और इंटरनेशनल सैंड आर्टिस्ट यहां पे आते हैं और पार्टिसिपेट करते हैं बट इस साल कोविड 19 के चलते हुए इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहां पे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो ओनली नेशनल सैंड आर्टिस्ट वर देयर और दुनिया के जो जाने माने सैंड आर्टिस्ट हैं इज सुदर्शन पटनायक जी भारत के पद्मश्री विजेता तो इन्होंने यहाँ पे क्रिएट किया बाज द चीफ क्रिएटर मतलब चीफ गेस्ट थे यहाँ पे इनोग्रेट इनो किया और जो कोनाक फेस्टिवल है दैट इज ये ओडिशा का क्योंकि कोनाक यहाँ पे ओडिशा का एक प्लेस है तो यहाँ पे ये इंडियन ये उड़ीसा के ट्रेडिशन को दर्शाता है और यहाँ पे जो परफॉर्मेंस होती है वो इन क्लासिकल डांस की ठीक है इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ क्लासिकल डांस को यहाँ पे परफॉर्म किया जाता है दैट इज़ आई कैन से भारतनाट्यम हुआ उड़ीसी हुआ मणिपुरी कुचिपुड़ी कत्थक ये सब डांस यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाता है अंडर द कनाक फेस्टिवल आई कैन आंसर से कनाक डांस फेस्टिवल मैं इसको कनाक डांस फेस्टिवल भी बोल सकता हूं तो ये कहा ऑर्गेनाइज किया गया ये ऑर्गेनाइज किया गया एक दिसंबर से लेकर पांच दिसंबर तक ओडिशा के अंदर एक दिसंबर से पांच दिसंबर तक ओडिशा के अंदर हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है हमारे जो ट्राइबल अफेयर्स के मिनिस्टर है इनका नाम है अर्जुन मुंडा अर्जुन मुंडा झारखंड से आते हैं झारखंड से लोकसभा के सांसद हैं अर्जुन मुंडा जी इन्होंने ई लॉन्च किया है यानी कि ऑनलाइन लॉन्च किया है फर्स्ट एवर आदि महोत्सव देखिए आदि महोत्सव को पहली बार वर्चुअल वे में लॉन्च किया गया ठीक है पहली बार वर्चुअल वे में इसको लॉन्च किया गया ये दस दिन तक यहां पे चलेगा ठीक है दस दिसंबर तक यह इसका जो फोकस रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के ऊपर दस दिन तक दस दिसंबर तक इसका जो फोकस रहेगा वो रहेगा मध्य प्रदेश के ऊपर उसके बाद नेक्स्ट फोकस जो रहेगा वो गुजरात के ऊपर रहेगा और तीसरा फोकस जो रहेगा वो वेस्ट बंगाल के अंदर रहेगा तो पूरा महीना चलेगा क्या ठीक है इनकी डेवलपमेंट के लिए यहां पे ये आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है आदि महोत्सव ऑर्गेनाइज किया जाता है ठीक है एंड दैट इजली ऑर्गेनाइज बाय द ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्राइफेड के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइवल दोनों मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करते हैं आदि महोत्सव आदि महोत्सव नेक्स्ट मलयालम मलयालम पिक्चर जलीकट्टू देखिए जलीकट्टू फेस्टिवल भी है यहां पे ठीक है तमिलनाडु के अंदर तो मलयालम पिक्चर है जलीकट्टू तो अकेडमी अवार्ड्स के लिए दैट इज ऑस्कर को हम अकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं तो ऑस्कर के लिए भारत का ऑफिशियल एंट्री ऑस्कर के लिए भारत का ऑफिशियल एंट्री है दैट दट इजीकटू जलीकट्टू

तो ऐसे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं चलिए अब आती है वैक्सीन वैक्सीन की की बात। बात। अब आती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैक्सीन डेवलपमेंट वर्क, वर्क को देखने के लिए यहां पर अंदर ट्रेवल किया तो तीन डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर गए मोदी जी ठीक है मोदी जी जाके आए तो सबसे पहले मोदी जी गए अहमदाबाद के अंदर दैट इज बायोटेक पार्क जाइडस कैडिला एक फार्मेटिकल कंपनी है तो इसके जाइडस बायोटेक बाग में मोदी जी जाके आए अहमदाबाद गुजरात के अंदर तो ये एक वैक्सीन बना रहा है इज इस इसकी वैक्सीन वैक्सीन का नाम है है डी डी एक बना रहा ठीक है थीके? तो यहां पे मोदी जी ने विजिट किया और मोदी जी ने इसका डेवलपमेंट वर्क देखा कि कहां तक ये पहुंच चुकी है ठीक है क्या प्रोग्रेस है क्या वर्क चल रहा है तो जायकॉफ डी डेट इज बाय द जाइडस कैडिला तो जाइडस बायोटेक पार्क है अहमदाबाद के अंदर उसके बाद भारत बायोटेक भारत बायोटेक हैदराबाद के अंदर तेलंगाना में इसकी वैक्सीन है कोवैक्सिन कोवैक्सिन हाँ पे कोवैक्सिन को लेके क्वेश्चन आया था इज एनी कोवैक्सिन इज फुली डेवलप्ड बाय इंडिया और ऑल मेडिसिन बाय और ऑल मेडिसिन इज डेवलप्ड बाय ज्वाइंट प्रोजेक्ट देखिए भारत बायोटेक ने यह कोवैक्सिन अपने लेवल पर तैयार करी है ठीक है हैदराबाद के अंदर और यहां पे जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसन कंपनी है ये वैक्सीन प्रोड्यूसर इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट है ये Serum Institute of India. है सीरम ऑफ इंडिया ठीक अब नॉट ओनली कोविड नाइनटीन वैक्सीन मैंने वैक्सीन बोला ठीक है तो ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे के अंदर ये एस्ट्रोजेनिका और ऑक्सफोर्ड के साथ मिलके तो वैक्सीन बना ही रहा है बट ये अपनी वैक्सीन भी बना रहा है तो ये काफी सारी वैक्सीन को लेके वर्क कर है ठीक ये काफ़ी सारी वैक्सीन को लेके वर्क कर रहे हैं है? है। अभी जो इसकी वैक्सीन है जो वो अपने लेवल पे खुद बना रहा है है इज ये इसकी वैक्सीन जिसको रहे काम कर रहा है जिसको लेके ये काम कर रहा है क्लियर हुआ चलिए तो मोदी जी ने तीन साइड का विजिट किया मोदी जी ने तीन साइड का विजिट किया नेक्स्ट देखते हैं एच एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनाटिक्स लिमिटेड भारत सरकार की वो बॉडी जो कि एयरफोर्स के लिए यहाँ पे काम करती है एरो प्रोडक्ट्स बनाने का ठीक है जहाज बनाने का एयरक्राफ्ट बनाने का हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तो इसने एक बहुत बड़ा क्रियोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक बनाया ठीक है एल्यूमिनियम का बना हुआ एक बहुत बड़ा टैंक बनाया इसने जिसको नाम दिया गया सी थ्री टू एल एच टू तो ये इसने इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको मिसाइल्स के लिए इस्तेमाल करेगा मिसाइल्स के साथ हैवी लोड को कनेक्ट करने के लिए हैवी लोड्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे इसका यूज किया जाएगा इसको यूज किया जाएगा दैट इज बोर्ड द जी एस एल वी एम के थ्री उसके साथ यहाँ पे इसको अटैच करेगा इसरो तो इसके चलते हुए एच ए एल ने ये क्रियोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दे दिया कितना लोड सह सकता है ये फाइव सेवन फाइव फाइव के जी फाइव सेवन फाइव फाइव के जी इतना लोड हम इस पर डाल सकते हैं तो इसरो अपनी सैटेलाइट्स और मिसाइल्स को लेकर इसका प्रयोग करेगा दैट इज़ बिगेस्ट एवर क्रियोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक दैट इज बाय द एच एल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड उन्नीस सौ चालीस में भारत में काम कर रहा है हालांकि पहले इसका नाम और था उन्नीस सौ साठ चौंसठ के पास इसका नाम बदला गया

हाइपरसोनिक तो सिंपल सी चीज यहां में रखनी है कि सर्कन मिसाइल कौन सी कंट्री टेस्ट फायर कर रही है तो ये रशिया की मिसाइल है रशिया की मिसाइल है ये तो रशिया ने इसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर लिया है नेक्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई है एक अपेक्स कमेटी बनाई है डैट इज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पैरिस एग्रीमेंट देखिए पैरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया गया था फॉर द क्लाइमेट चेंज ठीक है और द क्लाइमेट चेंज तो क्लाइमेट चेंज को लेके यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को मेंटेन करने के लिए कार्बन एमिशन को रिड्यूस करने के लिए यहां पे ठीक है यहां पे भारत सरकार ने एक बॉडी बनाई एक कमेटी बनाई डेट इज अपेक्स कमेटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पैरिस अग्रीमेंट पैरिस अग्रीमेंट की भारत में अच्छे लेवल पे इंप्लीमेंटेशन हो सके तो दीज आर द सम गाइडलाइंस ठीक है ये बॉडी क्या करेगी डेट बॉडी वर्क्स अंडर द सेक्शन फाइव ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन कि कोई भी इंडस्ट्री है ठीक है या बॉडी है उसके लिए ये गाइडलाइंस इशू कर सकती है ताकि हम क्लाइमेट चेंज के गोल की तरफ बढ़ सके ठीक है कार्बन मार्केट्स को पूरी की तरह पूरी तरह रेगुलेट कर सकती है ये इसके पास पूरी की पूरी अथॉरिटी रहेगी कार्बन का प्राइस मार्केट में तय करना इसके अंदर अधिकार है इसके पास इसके लिए भी क्योंकि क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करना है तो उसके लिए कुछ भी कर सकता है उसके लिए ये बॉडी ये जो कमेटी बनाएगी दैट इज अपेक्स कमेटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द पैरिस एग्रीमेंट ये कुछ भी कर सकता है आईपा ठीक है इट इज अपेक्स कमेटी फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट और इसके जो हेड रहेंगे वो रहेंगे यूनियन मिनिस्टर हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो सेक्रेटरी हैं आरपी गुप्ता जी सत्रह मेंबर की ये कमेटी है सत्रह मेंबर की ये कमेटी है बट उसमें सेक्रेटरी है आरपी गुप्ता आरपी गुप्ता जो सेक्रेटरी हैं वो इस कमेटी के चेयरमैन रहेंगे चेयरमैन ऑफ द कमेटी आरपी गुप्ता तो आगे बढ़ते हैं कोई डाउट हो तो बताइएगा नेक्स्ट देखते हैं लद्दाख लार्जेस्ट सोलर प्रोजेक्ट एट ले इंडियन एयरफोर्स स्टेशन देखिए हमारा जो डिफेंस है हमारा जो डिफेंस है उसने एक टारगेट सेट किया हुआ है क्या 300 मेगावाट 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट यहां पे लगाया जाएगा और उस 300 मेगावाट में से 14 मेगावाट का जो सोलर प्रोजेक्ट है वो ले रीजन में ही लगाया जाएगा वो ले रीजन में ही लगाया जाएगा ये अनाउंसमेंट करी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अंडर विद मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड एनर्जी इनके साथ मिलके ठीक है यहां है तो उसी के चलते हुए इसी एग्रीमेंट के चलते हुए लद्दाख के अंदर अभी 1.5 मेगावाट का दैट इज सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट लगाया जा रहा है ठीक है तो डिफेंस सेक्टर तीन मेगावाट का अपना ये टारगेट सोलर प्रोजेक्ट्स का टारगेट क्योंकि हम सोलर की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा टारगेट है 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022 एंड आउट ऑफ दिस देयर शुड बी 100 गीगावाट सोलर एनर्जी ये टारगेट हमारा है इसी टारगेट के चलते हुए हमें इसको अचीव करना है तो यहाँ पे ये सोलर प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है देखिए हमारे जो रेल मंत्री हैं हमारे जो रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल साहब इन्होंने दीगावाड़ा बंदीकुई सेक्शन दैट इज ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे का काड़ा बंदीकुई सेक्शन दैट इज इन द राजस्थान राजस्थान तो इसका इलेक्ट्रिफाइड इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया इसको पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड कर दिया गया तो इसका इनोग्रेशन यहां पे पीयूष गोयल साहब ने करा ये बेसिकली अब इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने से इसका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाने से ये कनेक्ट करेगा दिल्ली को अजमेर के साथ क्योंकि दिल्ली से अजमेर की जो पूरी लाइन होगी वो फिर चलने लगेगी इलेक्ट्रिक में अभी यहां पे हम डीजल का प्रयोग करते हैं अभी डीजल का प्रयोग करते हैं अब देखिए पहले तो मैं पूरा का पूरा आपको टारगेट बताता हूँ फिर हम बात करते हैं कि इसका नुकसान क्या होता है और इसका प्रॉफिट प्लस पॉइंट क्या है और नुकसान क्या है अब

टोटल दिसंबर 2023 तक जो टारगेट सेट है वह अट्ठाईस हजार किलोमीटर जो डिस्टेंस है रेलवे ट्रैक का ब्रॉड गेज नेटवर्क का अट्ठाइस किलोमीटर तो इसको क्या करना है इसको इलेक्ट्रीफाइड कर देना है इसका इलेक्ट्रीफिकेशन हमने कर देना है तो अभी पीयूष गोयल साहब ने उन्हीं में से एक ट्रैक डेट इज ढीघावाड़ा से बंदी कोई तक इसको इनोग्रेट किया है इसका इलेक्ट्रीफाइड वर्जन अब अभी तक जो मोस्टली ट्रेन है वो किस पे चलती है चलती हैं यहां पे चलती है डीजल पे अब डीजल भारत में तो होता नहीं है हम कच्चे तेल को इंपोर्ट करते हैं तो एक तो डीजल इंपोर्ट करना पड़ता है महंगा पड़ता है दूसरा चीज दूसरी चीज पॉल्यूशन दूसरी चीज आती है पॉल्यूशन तो ग्रीन एनर्जी के चलते हुए इलेक्ट्रिसिटी भारत में ही जनरेट करेंगे हम क्योंकि यहाँ पे रिन्यूएबल रिसोर्सिस को बढ़ा रहे हैं तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी भारत में ही जनरेट करेंगे और सारा का सारा रेलवे चलेगा यहां पे हमारा सारा का सारा ब्रॉड गेज नेटवर्क चलेगा किस पे इलेक्ट्रिसिटी पे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर तो ये हमारा प्लस पॉइंट है ये हमारी सोच है अगर ये सक्सेसफुल हो पाती है तो तो बंदी की सेक्शन कहाँ पे है राजस्थान के अंदर राजस्थान के अंदर एंड डैट विल एनहेंस द अजमेर टू डेली रेलवे सर्विस ऑन द इलेक्ट्रिफिकेशन नेक्स्ट हमारे जो एनवायरमेंट मिनिस्टर है डैट इज प्रकाश जावेडकर एन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हमारे जो मंत्री हैं डेट इज प्रकाश जावेडकर जी इन्होंने भारत के लिए लॉन्च किया है क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जो भी ज्ञान होगा मतलब जो भी बातें होगी सरकार क्या कर रही है और जो जो लोगों को करना चाहिए ठीक है लोग क्या क्या स्टप रेस कर सकते हैं लोगों को क्या क्या इसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करवानी है उस बारे में एक पोर्टल लॉन्च कर दिया गया एक वेबसाइट पोर्टल यहाँ पे लॉन्च कर दिया गया तो ये सारी का सारा इंफॉर्मेशन दर्शाएगा यहाँ पे टाइम टू टाइम डिफरेंट क्लाइमेट इनिशिएटिव्स को लेके ये इस पोर्टल के ऊपर दर्शाता रहेगा ये इस पोर्टल के ऊपर दर्शाता रहेगा तो बच्चों ये था हमारा द करेंट जी के ऑफ फर्स्ट वीक ऑफ डिसम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी अगर आपको क्लास के अंदर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी नाउ और आफ्टर दैट यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन आप कमेंट सेक्शन में कभी भी पूछ सकते हो अगर आपको कुछ डाउट रहता है क्लास का पी डी एफ नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है ठीक है और हमारे पोर्टल पे क्वेश्चन भी होते हैं क्विज भी होता है यू कैन गो देयर एंड अटैम्प्ट क्विज वीकली क्विज भी आप अटैम्प्ट कर सकते हो ठीक है आप वहां पे वीकली क्विज भी अटेम्प्ट कर सकते हो तो अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए और क्लास को लाइक भी कर दिया करिए अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो ठीक है नेक्स्ट क्लास हमारा रहेगा द वीकली इकोनॉमिक अफेयर्स द वीकली इकॉनॉमिक जीके डेट इज ऑन मंडे मंडे तो मिलते हैं मंडे को तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे स्टे सेफ स्टे होम